साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र डांगी से, मैं आप तस्वीरें देख रहे हैं सीजीएन 24 पर और इसे मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं आज 17 सितंबर है, जहां पर विश्वकर्मा जयंती थी। विश्वकर्मा जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य में जो है आज आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा जो योजना है उसको उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया। यशो भूमि दिल्ली से द्वारका के पास आपको दिखा रहे तस्वीरें, तो जो पूरी आगे की जानकारी वो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी आप सभी साथियों से अपील रहेगी इस खबर को शेयर करिएगा। मैं रविंद्र डांगी दिल्ली से। और ये है पीएम विश्वकर्मा योजना का लोगो प्रतीक चिन्ह, और यहाँ नए विभिन्न दौर में विश्वकर्मा की कैसे आगे बढ़े ये दिखाया गया है। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसके बाद तकनीक बदली और कैसे आधुनिक तकनीक के माध्यम से अब चपड़ी जूती, कोल्हापुरी चप्पल, कुम्हार आए हुए हैं जो टेराकोटा पॉटरी का काम करते हैं, और यहाँ वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने गाड़ियों का काफिला छोड़ मेट्रो में सफर करने का निर्णय लिया, और आज इस मेट्रो में सफर करते देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेट्रो के द्वारा यशो भूमि में आएंगे। इस तरह का खूबसूरत ढांचा भव्य इमारत हमारे सामने खड़ी हुई है, और इसीलिए उन्हें जब भी मौका मिलता है तो हमारे श्रमजीवियों का हौसला देख सकते हैं। तस्वीरें एचजीएन 24 के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करने के लिए आप देख सकते हैं यशो भूमि का जो कन्वेंशन हॉल है, इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल है, वहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी साथियों से अपील रहेगी कि खबर को शेयर करेगा। आप देख सकते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो इस समय पर यशो भूमि में पहुँच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एचजीएन 24 के माध्यम से। एक और विश्व के सबसे बड़े भव्य कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल यशो भूमि का उद्घाटन, जो विशाल भारत देश के जन जन की विस्तृत आकांक्षाओं को आधार दे रहा है। तो मैं भारत माता के कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय पूर्वक शुभकामना भी देता हूँ। वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारामन जी, माननीय पीयूष गोयल, व्यवसायिक ढांचे में डाला जाएगा, ऐसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का लोकार्पण हो रहा है। हम सभी लोग सौभाग्यशाली है ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की लोकार्पण के हम साक्षी बन रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, तो फिर देश की ओर से आज कंट्री ऑफिसर्स, मीडिया पर्सन एंड मोर इम्पोर्टेंटली ऑल दोस क्राफ्ट्समैन, पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स एंड विद मिनिमम टूल्स, नामकरण किया गया है। ये यशो भूमि भारत के यश को दूर दूर तक फैलाने में अपना योगदान देंगे, ये उम्मीद कर सकते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एचजीएन 24 के माध्यम से, जहां पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो यशो भूमि
दिल्ली का जो शुभारंभ है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरी आप सभी साथी सभी रहेगी, खबर को शेयर करेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर आप देख सकते हैं यशो भूमि का जो उद्घाटन है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पित केंद्र में से एक है, यशो भूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकन्फिगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशो भूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED मीडिया फसाद है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशो भूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशो भूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे। तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशो भूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। और कारीगरों के लिए ऐसा कदम जो लाखों विश्वकर्माओं